नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मोबाइल डेयरी ऐप में। आज हम मोबाइल डेयरी ऐप में देखने वाले हैं कि हमारे पुराने दूध संग्रह का रेट कैसे बदले। जैसे कि अगर हमारा 1 से 5 तारीख का दूध संग्रह हो गया है और वो हमें अब हमारा वो रेट बदल चुका है, मतलब कि आपने पुराने रेट से दूध संग्रह किया था तो अभी वो रेट कम हो चुका है, तो अभी आपको नए रेट चार्ट के अनुसार वो रेट कम करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दूध संग्रह में जाके मेरा संग्रह दिखाता हूँ। अब आप मैं यहाँ पे मेरी तारीख सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे 1 तारीख पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे मेरा 3585 का रेट है 26 रुपये। अभी मेरे नए रेट चार्ट के अनुसार वो 25 रुपये हो गया है, तो मुझे अभी हर कलेक्शन का रेट मुझे नए रेट चार्ट के हिसाब से अपडेट करना है। तो ये मैं कैसे करूँगा? तो ये मुझे करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे रेट चार्ट में चेंज करना होगा, बदलाव करना होगा। उसके लिए मैं रेट चार्ट में जाता हूँ। रेट चार्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे बदले पे क्लिक करूँगा और मैं अभी यहाँ पे 3585 का रेट देखूँगा। 3585 का रेट देखने के बाद यहाँ पे देखो 26 रुपये रेट है, तो अभी मेरा रेट 25 हो गया है, तो मुझे ये जो शुरू की रकम है उसमें से 1 रुपया कम करना है, तो मेरा 3585 25 हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे 13 रुपये डाल दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मेरा 3585 अब 25 रुपये हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऊपर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब मुझे मेन पेज के ऊपर जाना है। मेन पेज के ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाना है। इसके बाद मुझे दूध संग्रह में जाना है। अब मुझे जिस दिन का संकलन रेट चेंज करना है, मतलब दूध संग्रह का रेट चेंज करना है, मैं वो तारीख यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मुझे 1 तारीख का करना है। 1 तारीख के करने के बाद 1 तारीख सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। अब दूध संग्रह दर अपडेट, ये तीसरा ऑप्शन, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे एप्लीकेशन मैसेज दे रहा है कि आप वर्तमान दर कार्ड के साथ सभी संग्रह के लिए रेट अपडेट करना सुनिश्चित करते हैं क्या? तो मुझे यहाँ पे यस कहना, हाँ कहना है। हाँ कहने के बाद अब मेरा ऑटोमेटिकली रेट अपडेट हो गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते थे मेरा पहला 3585 26 था, वो 25 हो गया है। तो इस तरह से आप पुराने दूध संग्रह का जो रेट है वो बदल सकते हैं। अब ये 1 दिन का हो गया है। अगर मुझे 2 तारीख का करना है तो मैं फिर से 2 तारीख पे जाऊंगा। 2 तारीख के बाद जाने के बाद मुझे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, दूध संग्रह अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हाँ कहना है। तो मेरा अब 1 और 2 तारीख का भी दूध संग्रह रेट अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप पुराने दूध संग्रह का रेट अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।